नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव नक्सल। दोस्तों, कई दिनों से मैंने आपसे बात नहीं किया है, इसके कुछ वजह हैं। थोड़ा बहुत मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, अभी भी कुछ ठीक नहीं है। आई एम फेसिंग विजन डिफिकल्टीज, मुझे मेरे राइट आई में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं जिसकी वजह से मैं बहुत ठीक से देख नहीं सकता, पढ़ना लिखना थोड़ा मुश्किल हो गया है और थोड़ा सा ढीला रहता हूं। खैर, ये सब बातें छोड़िए। दोस्तों, कल हमारा एक तारीख है, वी हैव अ कोर्ट डेट, कोर्ट कुरला कोर्ट में रुणवाल का जो कोर्ट ये केस किया हुआ है, क्रिमिनल केस, बिल्कुल गलत है, लेकिन अब क्या करें, प्रोसेस है, प्रोसेस के साथ जाना पड़ता है, प्रोसेस को सहना पड़ता है और हमें लड़ना पड़ता है, तो हम लड़ रहे हैं, हम जूझ रहे हैं, हम जूझेंगे, लड़ेंगे। तो दोस्तों, कल क्रिमिनल केस का डेट है एट कुरला कोर्ट। मैं आपको रुणवाल केस के बारे में थोड़ा सा याद दिला दूं, जिनको पता नहीं है उनको थोड़ा सा अप टू डेट भी लेके आऊं। तो दोस्तों, ऐसा है कि मेरे ऊपर और तीन लोगों के ऊपर जो कि रुणवाल के विक्टिम्स हैं, रुणवाल बिल्डर ने केस कर दिया, और वो इसलिए क्योंकि राजेंद्र सिंह नाम के एक विक्टिम को मैंने सक्सेसफुली उसके पैसे वापस दिलाए, और दो और बंदे लोग हैं, देवदास आचार्य और अल्विन डांटस। देवदास से रुणवाल ने 6.7 लाख रुपीस जब्त कर दिए हैं और अल्विन से आई थिंक द अमाउंट इज 4.8 लाख जब्त कर दिए। वो देना नहीं चाहते थे, हमने वीडियो बनाया, राजेंद्र को उन्होंने पैसे रिटर्न कर दिए। बहुत सारे प्रेशर डालने के बाद आई थिंक 6 वीडियो बनाए थे हमने, उसके बाद उन्होंने राजेंद्र को पैसे लौटा दिए। लेकिन लौटाते समय उन्होंने राजेंद्र से एक अंडरटेकिंग लिया कि मैं वीडियोस डिलीट कराऊंगा, और वो भी इमीडिएटली। और राजेंद्र ने मुझे फोन किया और कहा, क्रिश प्लीज आप वीडियोस डिलीट कर दोगे? और मेरी कमजोरी थी शायद, या मेरी गलती थी कि मैंने वो वीडियोस डिलीट किए। अब वीडियोस जब मैंने डिलीट किए तो मेरा इरादा बहुत पक्का था कि भाई इसको पैसे तो मिल जाए, उसके बाद आई विल अपलोड द वीडियोस अगेन, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ एक राजेंद्र के का ही काम बने, मैं चाहता हूं कि सारे फ्लैट बायर्स का काम बने। और मैं ये भी चाहता हूं कि सारे फ्लैट बायर्स को पता चलना चाहिए कि रुणवाल का डीलिंग क्या है, रुणवाल किस तरह से डील कर रहे हैं अपने फ्लैट बायर्स के साथ। तो मैंने उस समय वीडियोस डिलीट कर दिए और करीब करीब 20-25 दिन के बाद उसे रीअपलोड कर दिए। तो अब इन द मीनवाइल ऑफकोर्स राजेंद्र को उसके सारे पैसे जो दिए हुए थे, आई थिंक अमाउंट 4.25 लाख या ऐसा कुछ था, वो सारे अमाउंट उसको वापस मिल गए थे, मैंने अपलोड किए। अब रुणवाल का कहना यह है कि ये चीटिंग है, हमने जो किया उनके साथ वो चीटिंग है, वो एक्सटॉर्शन है, एक्सटॉर्शन मतलब खंडनी जिसे कहते हैं, वो एक्सटॉर्शन है, वो डिफेमेशन भी है, यानी मानहानि, यानी हमने चीटिंग भी किया, एक्सटॉर्शन भी किया, मानहानि भी किया। और उनका कहना है कि मैंने, राजेंद्र ने, देवदास और अल्विन सबने मिलकर मिलीभगत करके बेचारे रुणवाल को चीट किया है। अब ये बेचारे रुणवाल, याद रखिए, आज भी देवदास आचार्य के 6.7 लाख कई बरसों से लेके रखे हैं और वापस नहीं किया है, और अल्विन डंटास के भी पैसे ले रखे हैं, वो भी वापस नहीं किया है, यानी करीब करीब 11-11.5 लाख रुपए उन्होंने कमाए हैं, न एक इंच जमीन बेचा, न एक इंच फ्लैट बेचा, न एक सिंगल ईंट उन्होंने अल्विन डंटास या देवदास आचार्य को बेचा, लेकिन वो कमा गए 11 लाख रुपए। और उनका कहना है कि ये 11 लाख रुपए वापस मांगना, अभी इंटरेस्ट विंटरेस्ट का तो बात ही छोड़ दो, ये 11 लाख रुपया वापस मांगना, और उसके लिए हम जो लड़ रहे हैं और पब्लिक को बता रहे हैं कि देखिए ये किस तरह से फ्लैट बायर के साथ डीलिंग करते हैं,
ये चीटिंग भी हुआ, ये एक्सटॉर्शन भी हुआ खंडनी, और ये हम जो मांग रहे हैं इसलिए उनका डिफेमेशन हुआ, उनकी मानहानि हो गई, क्योंकि हमने ये बात पब्लिक में जाहिर कर दिया कि ये लोगों ने ये फ्लैट बायर्स के पैसे ले रखे हैं, और हम सब ने मिली भगत करके, यानी राजेंद्र और अलविन और देवदास सब लोग और क्रिश एक क्रिमिनल गैंग की तरह ऑपरेट करके रुणवाल को एक्सट्रॉट किया, और बेचारा रुणवाल भागते भागते सायन पुलिस स्टेशन गया कि मुझे इन गुंडों से बचाओ जो मेरे साथ खंडनी कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे चीट किया है वगैरह वगैरह। और भाई सायन पुलिस स्टेशन तो है लोगों की सेवा करने के लिए, पब्लिक के कोई कंप्लेंट लेते नहीं है, बिल्डर के खिलाफ पुलिस वैसे कंप्लेंट लेती नहीं है, लेकिन भैया ये बेचारे बिल्डर्स जो हैं, बेचारे बिल्डर्स जिनको हमारे जैसे गुंडे एक्सटॉर्ट करते हैं, थ्रेट करते हैं और उनका खून चूसते हैं बेसिकली हमारे जैसे लोग, तो हमसे रक्षा करने के लिए हमारे अगेंस्ट केस कर दिया और FIR हो गया, और FIR ही नहीं चार्जशीट भी हो गया। चार्जशीट मतलब अब मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट में है। तो हुआ ये दोस्तों, कुछ लोगों को याद होगा कि कुछ महीने पहले मैंने रिक्वेस्ट किया था सभी से कि दोस्तों बेल बॉन्ड देने के लिए प्लीज आप साइन स्टेशन आ जाइए, से साइन पुलिस स्टेशन आ जाइए। और ये बेल बॉन्ड क्या होता है? बेल बॉन्ड ये होता है कि भाई आप एक स्टेटमेंट पे साइन करोगे कि मैं, मुझे विश्वास है कि क्रिश भाग नहीं जाएगा कहीं, विदेश में भाग नहीं जाएगा, कनाडा में का वीजा लेके भाग नहीं जाएगा, ये दिखाने के लिए, और ये आपको विश्वास है, और अगर क्रिश भाग गया तो मैं 25,000 रुपए देने को तैयार हूं पुलिस को, यानी इस तरह से एक बेल बॉन्ड करना होता है। फालतूगिरी है, लेकिन क्या करें, ये रूल है, इस तरह से उनका नॉर्मल चलता है। तो उस समय लोग मिले थे मेरे लिए, अलविन और देवदास ने अपना खुद के घर से अपने परिवार वालों को खड़ा कर दिया था बेल बॉन्ड के लिए, लेकिन मैंने और राजेंद्र, मेरे पास यानी राजेंद्र के पास कोई नहीं था, तो मैंने राजेंद्र और मेरे लिए लोगों को खड़ा किया। आई फाउंड माय फ्रेंड्स जो आके बेल बॉन्ड फर्निश करके गए, उन्होंने श्योरिटी, उसको श्योरिटी कहते हैं, श्योरिटी फर्निश करके गए, यानी पैसे देने के नहीं होते हैं, श्योरिटी देना होता है। और एक अब ये जो था वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी था, कुछ भी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, ऐसे तो होने वाला नहीं है कि मैं कहीं मुंबई छोड़ के भाग जाऊंगा पुलिस के डर से, लेकिन ये काम है। अब यही काम सेम डुप्लीकेट करना पड़ रहा है मजिस्ट्रेट कोर्ट में, और मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुझे लोगों की जरूरत है जो आके साइन करेंगे। बेसिकली रिस्क, भाई साहब आप तो जानते हो मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं, मैं मर जाऊंगा यहां पर लेकिन भागूंगा नहीं, इस देश में मेरा, यानी मैं इस देश को छोड़ के जाने का तो सवाल ही नहीं है, या इवन कहीं मुंबई छोड़ के भागने का सवाल नहीं है। और ये बात आपको साइन करके अटेस्ट करना है, सो टू स्पीक, और मुझे करीब करीब फॉर टेक्निकल रीजंस 8 से 10 लोग चाहिए जो कि आके साइन करेंगे एट मजिस्ट्रेट कुरला कोर्ट, और वो भी कल के दिन, सुबह से लेके शाम तक आओगे तो चलेगा, सुबह को आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसे सोच के चलिए कि 2-3 घंटे आपके बिगड़ने वाले हैं या आधा दिन बिगड़ने वाला है। और अगर आपको लगता है कि आप हमें सपोर्ट करके अपने देश को मजबूत करना चाहते हो, और या फिर सिर्फ आपको लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है और हमारी जो लड़ाई है वो सही है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मेरे साथ कोऑर्डिनेट करिए, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब ये राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटोज, ये टाइप की कुछ चीजें, कुछ आइटम्स लेके आने हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब आप ये सब लेके आइए और हमारा साथ दीजिए,
हमें सपोर्ट करिए इस काम में, इस लड़ाई में। बस मेरी यही प्रार्थना है, आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे आज या इवन कल आप फोन कर सकते हो। कोर्ट में बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं रहेगा, लेकिन प्रोसीजरल मैटर है तो मजिस्ट्रेट के सामने नहीं है, लेकिन रजिस्ट्री उनका जो ऑफिस रहता है वो ऑफिस में कोर्ट कचहरी का काम है और उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, खड़े रहना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। अब क्यों ऐसे वो लोग टाइम वेस्ट करते हैं वो छोड़ दो यार, ये उनका प्रोसीजर है, इसी तरह से चलता है, इसी तरह से हमारा देश चल रहा है। और आप अगर देखना चाहते हो कि देश किस तरह से चल रहा है तो आइए मिलते हैं, कल बातचीत भी हो जाएगी, भेंट हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें यानी हम चार लोगों को श्योरिटी देने के लिए आप कुर्ला कोर्ट आए। मैं आपको एड्रेस वगैरह भेज दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए और फिर फोन पे बात करते हैं। आप आज लेट नाइट तक बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो मुझे, कल भी आप कॉल कर सकते हो 10-11-12 बजे। अगर आप कॉल करोगे तो हम ये काम कर सकते हैं, आप शामिल हो सकते हो हमें मदद करने में। मेरी गुजारिश आपसे यही है कि आज ही कॉल करो, चाहे वो लेट क्यों ना हो। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट उन लोगों से है जिनको मुझसे मदद मिली है, जो लोग मुंबई में रहते हैं या मुंबई रीजन में रहते हैं, मुंबई थाना, नवी मुंबई, कल्याण वगैरह में रहते हैं, और जिनको ऑलरेडी मेरे काम करने से हेल्प मिला है, जिनको अपने पैसे वापस मिले हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है स्पेशली कि अगर आप इसे मुहिम समझिए तो मुहिम, और अगर अच्छा काम समझिए तो एज अ फेवर समझना चाहते हो तो वैसे, लेकिन ये मुहिम या ये चीज को आप अगर सपोर्ट करना चाहते हो और थोड़ा सा एक रिपे करना चाहते हो तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मुझे मैसेज करिए और कल मिलते हैं हम कुर्ला कोर्ट में। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।